स्किल्स एंड डेवलपमेंट टैलेंट्स के बारे में बात करूँगा। यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ यह बात करूँगा कि IoT लेवल्स क्या हैं और कैसे डिज़ाइन की जाते हैं, और साथ ही साथ होगा कि IoT लेवल्स क्या हैं। IoT लेवल्स मतलब एक तरीके का एक फ्रेमवर्क है या फिर एक मेथडोलॉजी है जिसके हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट IoT डिवाइसेस को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, ये जो कैटेगरीज होंगे ये किस बेसिस पे होंगे, IoT लेवल्स के जो कैटेगरीज होंगे ये इस बेसिस पे होंगे कि IoT डिवाइसेस में किस तरीके का डेटाबेस यूज़ हो रहा है या फिर IoT सिस्टम्स में किस तरीके का डेटाबेस यूज़ हो रहा है। साथ ही साथ IoT में IoT के लिंकिंग के लिए या IoT सिस्टम से किस तरीके का वेब सर्विसेज लिंक हो रहा है, एक IoT सिस्टम में किस तरीके के एनालिसिस हो रहा है, और साथ ही साथ एक IoT सिस्टम में किस तरीके के एप्लीकेशन का। और जब हम बात करते हैं डिप्लॉयमेंट टेम्पलेट के बारे में, तब हम यहाँ पर यह देखते हैं कि एक IoT सिस्टम को कैसे डेवलप किया जाएगा, और कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कैसे एक IoT सिस्टम को इंस्टॉल किया जाएगा। इन सारे मेथडोलॉजीज या फिर इन सारे लेवल से और डिप्लॉयमेंट टेम्पलेट से, तो जब हम बोलते हैं IoT लेवल्स के बारे में तो यहाँ पर जनरली अभी तक 5 लेवल्स डिफाइन किए गए, इस रिलेटेड 5 लेवल्स डिफाइन किए गए हैं। पहला होता है लेवल 1, होता है लेवल 2, चौथा होता है 4 और पांचवा होता है लेवल 5। यानी कि जब हम IoT लेवल्स के बारे में पढ़ना चालू करेंगे तब हम लेवल 1 से लेकर लेवल 5 इन सारे लेवल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम यह देखते हैं कि IoT लेवल को पढ़ना है, IoT लेवल को पढ़ना है तो हमको उन IoT लेवल्स में क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है। जैसे कि कुछ IoT सिस्टम के कंपोनेंट्स होते थे, लगभग IoT लेवल्स में भी IoT सिस्टम्स के कुछ कंपोनेंट होंगे। IoT लेवल्स में जो सिस्टम्स होते हैं या IoT सिस्टम्स होते हैं उनके कुछ कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है यहाँ पर डेटाबेस, ठीक है। तो जैसा हम ये देख सकते हैं कि डेटाबेस कैन बी आइदर लोकल और इन द क्लाउड एंड स्टोर्स द डेटा डिवाइस, यानी कि जो भी डेटाबेस होगा या तो वो लोकल सिस्टम्स पे होगा या फिर क्लाउड पे होगा। जब हम बोलते हैं कि क्लाउड पे होगा यानी कि उस केस में सिस्टम काफ़ी दूर होगा और हमें सिर्फ उसे क्या करना है, एक्सेस करना है, एक तरीके से हम यह बोल सकते हैं कि जब हम क्लाउड की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमें सॉफ्टवेयर एक्सेस से हमें उस पर्टिकुलर रिसोर्स का एक्सेस मिल जाएगा। और यह जो क्लाउड या फिर लोकल स्टोरेज है, यह इस्तेमाल होगा उस डेटा को स्टोर करने के लिए जो कि जनरेटेड किया गया है IoT डिवाइसेस के द्वारा। यदि हम यहाँ पर एक IoT डिवाइसेस का एग्जांपल लेते हैं तो एक IoT डिवाइसेस जो हो सकता है वो हो सकता है एक होम ऑटोमेशन सिस्टम भी हो सकता है जो होम पे इंस्टॉल किया गया हो। अब जो भी एक तरीके का हो है, या होम ऑटोमेशन कुछ चीज़ों को डिटेक्ट करता है, ठीक है। जब हम बोलते हैं कि होम ऑटोमेशन सिस्टम यानी कि ठीक है HAS मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूँ, होम ऑटोमेशन सिस्टम को, तो होम ऑटोमेशन सिस्टम जो होगा वो किसी तरीके से इंट्रूडर को डिटेक्ट करेगा। इंट्रूडर यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जो कि फैमिलियर ना हो, अननोन हो, उसका यदि घर में प्रवेश होता है तो उस तरीके जो है वो आपको क्या देगा, वो आपको अलर्ट देगा, एक IoT सिस्टम आपको अलर्ट देगा जिससे ये पता चलेगा कि इस घर में पर्टिकुलर इंट्रूडर का प्रवेश हो गया है। इसके अलावा जो होम ऑटोमेशन सिस्टम है वो एक तरीके से स्मोक को डिटेक्ट करने के भी काम आता है, स्मोक डिटेक्टर के तौर पे भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं होम ऑटोमेशन सिस्टम्स के बारे में। नेक्स्ट है किसी भी IoT सिस्टम का, वो है वेब सर्विस। वेब सर्विस
वर्क करता है बिटवीन IoT डिवाइसेस, एप्लीकेशंस, डेटाबेस और यानी कि वेब सर्विसेज जो है IoT डिवाइसेस, एप्लीकेशन, इन सभी से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। वेब सर्विस कैन बी आइदर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग HTTP एंड REST प्रिंसिपल। जब हम बोलते हैं HTTP प्रिंसिपल तो HTTP मतलब वह वही क्लाइंट आर्किटेक्चर ज़्यादा यूज होता है HTTP प्रिंसिपल्स में। और जब हम बोलते हैं REST प्रिंसिपल, REST यानी कि रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, REST यानी कि रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। तो REST प्रिंसिपल में जो REST API की जो मेथडलॉजीज हैं वो यूज़ होते हैं, यानी कि जब भी हम REST प्रिंसिपल यूज़ करेंगे तो हम वहाँ पर कुछ आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल यूज़ करेंगे, जिसकी मदद से आप डिज़ाइन कर सकते हो वेब सर्विसेज को और वेब APIs को, जो कि फोकस करता है एक सिस्टम के रिसोर्सेज पे, कैसे रिसोर्स के स्टेट्स, कैसे रिसोर्स स्टेट्स एड्रेस होंगे और कैसे ट्रांसफर्ड होंगे। यानी कि जो REST प्रिंसिपल है वो वर्क करता है रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल पर ज़्यादा वर्क करता है। यहाँ पर वेब सर्विस वेब सॉकेट प्रोटोकॉल्स, तो वेब सॉकेट प्रोटोकॉल का जनरली वेब सॉकेट बेस्ड कम्युनिकेशन APIs, वेब सॉकेट बेस्ड कम्युनिकेशन APIs पे, यानी कि सॉकेट बेस्ड वेब प्रोटोकॉल का जब भी यूज होगा तो वहाँ पर जो कम्युनिकेशन मॉडल यूज होगा वो होगा आपका एक्सक्लूसिव पेयर कम्युनिकेशन। के बाद जो नेक्स्ट एनालिसिस कंपोनेंट, ये सारे कंपोनेंट्स जो हम आपको अभी यहाँ पर बता रहे हैं ये सारे कंपोनेंट्स आपके IoT लेवल्स एंड डेवलपमेंट टेम्पलेट्स में भी यूज़ होंगे। नेक्स्ट जो है वो एनालिसिस कंपोनेंट, जो एनालिसिस कंपोनेंट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है IoT डेटा को एनालाइज करने के लिए। ठीक है, जब भी हम IoT डेटा को एनालाइज करते हैं तो उसमें हम यह देखते हैं कि IoT डिवाइसेस से या फिर IoT सिस्टम से जो डेटा मिला है वो डेटा कितना यूज़फुल है और कितना एक्यूरेट है। और साथ ही साथ जब भी हम एनालिसिस कंपोनेंट को यूज़ करते हैं तब हम जनरेट करते हैं ऐसे रिजल्ट्स को जिनको कि समझना बहुत ही आसान होगा, किसके लिए, यूज़र के लिए समझना बहुत ही आसान होगा। इसके बाद जो IoT लेवल्स एंड डिप्लॉयमेंट टेम्पलेट्स में जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है एप्लीकेशंस। तो IoT एप्लीकेशंस प्रोवाइड कराते हैं एक ऐसा इंटरफेस जहाँ की यूज़र कंट्रोल कर सकता है और मॉनिटर कर सकता है IoT सिस्टम के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को। एप्लीकेशन इस चीज़ के लिए भी यूज़र को अलाउ करते हैं कि वो व्यू कर सकता है पूरे सिस्टम की स्टेटस को और देख सकता है प्रोसेस्ड डेटा। आने वाले वीडियो से हम बात करेंगे IoT के लेवल के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे IoT लेवल 1 को।